आप देख रहे हैं अमेज नाउ। देश पर मिटने वाले क्रांतिकारियों और सैनिकों का श्राद्ध तर्पण। भारत सनातनी हिंदू धर्म प्रधान देश है। यहां सिर्फ देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, पहाड़ों, नदियों, पशुओं, जानवरों और यहां तक कि शरीर छोड़ चुकी आत्माओं के लिए भी तर्पण, दान पुण्य और पिंडदान जैसे कर्मकांड किया जाता है। माना जाता है कि पूरे साल के कुंवार महीने के प्रथम पक्ष में पितरों के लिए ही यह सब कर्मकांड होना निश्चित है। वास्तव में इस पखवारे में किसी और देवी देवता की पूजा न होकर सिर्फ और सिर्फ पितरों को ही याद किया जाता है, उनकी पूजा होती है, उनसे संबंधित कर्मकांड होते हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो सैकड़ों हजारों आज़ादी के दीवानों ने हंसते हंसते अपने प्राण माँ भारती को न्यौछावर कर दिए थे। इन शहीदों में कुछ तो ऐसे थे जिनके परिजनों को उनका अंतिम संस्कार करने तक का मौका नहीं मिल पाया था। ऐसे में गोरखपुर जनपद में स्थापित अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा और गुरु कृपा नामक सामाजिक संस्थान द्वारा भारत के वीर सपूतों शहीदों को सामूहिक रूप से याद कर यज्ञ और तर्पण के साथ उनका श्राद्ध किया गया। जय श्री राम शर्मा शर्मा हम ममातर श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणार्थम सह अस्माकम् स्तृप्यन्ताम् ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम् ओम सरितास्तृप्यन्ताम् ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम् ओम यक्षास्तृप्यन्ताम् ओम दक्षा कपिलस्तृप्यन्ताम् ओम कपिलस्तृप्यन्ताम् ओम आसुरिस्तृप्यन्ताम् ओम आसुरिस्तृप्यन्ताम् ओम भूढ़ुस्तृप्यन्ताम् ओम भूढ़ुस्तृप्यन्ताम्। ऋषि मुनियों द्वारा निर्देशित कर्म कांड में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों की पुण्य तिथियां अज्ञात हैं उन सभी का श्राद्ध और पिंडदान वगैरह अमावस्या वाले दिन ही किया जा सकता है। जंगे आज़ादी में गोरखपुर समेत पूर्वांचल को राष्ट्रीय क्षितिज पर पहचान दिलाने वाले मंगल पांडे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, पंडित राम मोहन मालवीय, बंधु सिंह, बाबा राघव दास, हनुमान प्रसाद पोद्दार, राधा बाबा, रघुपति सहाय फिराक, गोरखपुरी चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। जैसे कि आज सर्व पितृ अमावस्या है, ज्ञात अज्ञात मतलब जिनकी तिथि हमें ज्ञात हो, जिनकी तिथि हमें ज्ञात हो हमारे पूर्वजों के पितरों की उनके लिए, और जिनकी नहीं भी है अवसान का दिन होता है, और आज के बाद से पितृ अपने पितृलोक को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जलांजलि दी जाती है, पिंडदान दिया जाता है, जिससे पितृ की अक्षय तृप्ति होती है तो उस कुल की उस वंश की प्रतिदिन उन्नति होती रहती है। और उसके लिए आज के दिन आने के बाद किसी सरोवर या तालाब के किनारे जाके जैसा यथाशक्ति तर्पण या पिंडदान करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं। पिंडदान के अंतर्गत ब्राह्मण भोजन, गौ, श्वान, काक आदि की बलि दी जाती है, भोजन करवाया जाता है, और ये पितरों से कामना की जाती है कि वो उत्तम लोक को प्राप्त होकर अपने कुल का कल्याण करें और सभी का कल्याण करें। पंडित जी, आज आप कहाँ पर हैं और क्या किस आयोजन में? आज मैं रामघाट पर हूँ और जो गुरु कृपा सेवा संस्थान है उसके संयुक्त तत्वावधान में आज तर्पण का राजेश राम त्रिपाठी जी ने करवाया है, जो कि उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, यह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम आने थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, उनको बहुत से लोगों का नाम ज्ञात है, बहुत से लोगों का नाम नहीं ज्ञात है, अपने पितरों का तो सब तर्पण कर देता है, पिंडदान आदि करता है, पर उनकी भी अक्षय तृप्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के गया है और उसी तर्पण के कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हूँ। किन किन शहीदों को आप लोगों ने तर्पण करा? शहीद बंधु सिंह हो गए, हनुमान प्रसाद पोद्दार हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए।
मनुष्य तृप्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के गया है और उसी तर्पण के कार्यक्रम में मैं भी। जलांजलि देने वालों में प्रमुख रूप से ब्रजेश राम त्रिपाठी, अवनीश मणि त्रिपाठी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, राजेश चौधरी, संदीप मौर्य, आचार्य वीरू, रितेश दुबे, रमेश पुजारी आदि मौजूद रहे। धर्म के लोग मानने वाले हैं, सभी का ये मानना है कि जो पितृपक्ष होता है इसमें हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर आते हैं और हम लोग उनके वंशज होने के नाते अपने अपने पितरों को हम लोग पितृ विसर्जन के अवसर पर श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम है वो देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है, क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का है और भारत की सरहद पर भारत की रक्षा करते हुए जिन रणवाकुनों का प्राण उत्सर्ग हो जाता है, बलिदान हो जाते हैं, देश के लिए अपने प्राणों का आहुति देते हैं, ऐसे सभी क्रांतिकारी, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के बलिदानी, भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों, जिनके परिजन हम सब भारतवासी हैं, हम वो हमारे पूर्वज हैं, ऐसे सभी को आज हम ज्ञात अज्ञात नाम तिथि, आज जो अमावस्या तिथि है इसमें अगर हम अपने पूर्वजों का जो तिथि नहीं जानते हैं कि उनका कब देवावसान हुआ था, कब गोलोकवासी हुए थे, उनको सभी को आज हम लोग हमारे सनातन धर्म में पितृ विसर्जन के अवसर पर श्रद्धा सुमन तर्पण करने का कार्यक्रम है। और आज चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिश्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र रानी, ऐसे जितने क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, हम सभी उनके परिजन हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, उनको आज हम लोग श्रद्धा तर्पण कार्यक्रम जलांजलि देकर हम उनको। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।